सो गाइज, लता मंगेशकर से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको मैं बता दूं कि साल 2022 में मनोरंजन जगत से बहुत ही बुरी खबर ये निकल के आ रही है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। भारत रत्न सम्मानित गायिका ने ब्रिस कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है और इससे पूरे देश को तगड़ा झटका लगा है। ना सिर्फ मनोरंजन जगत के सितारे बल्कि पूरे देश के नागरिक लता मंगेशकर के निधन से सदमे में है। जानकारी के मुताबिक आपको मैं बता दूं कि लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित होने के बाद उनमें निमोनिया के लक्षण भी दिख रहे थे, जिसके बाद उन्हें ब्रिस कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां लता मंगेशकर को आईसीयू में रखा गया था। हाल ही में डॉक्टर्स ने लता मंगेशकर के क्रिटिकल कंडीशन की तरफ इशारा करते हुए लोगों से दुआ करने की अपील की थी। कुछ दिन पहले ही लता मंगेशकर को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने की भी खबरें सामने आई थी, लेकिन अब ये खबर निकल के आ रही है कि जो लता मंगेशकर है उनका निधन हो गया। बाकी दोस्तों, ये देश के लिए बहुत ही बड़ी दुखद खबर है। बाकी दोस्तों, आप लता मंगेशकर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आप लता मंगेशकर को कमेंट्स बॉक्स में श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।